महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। बेहद कम उम्र में ही चंद्रशेखर देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश स्थित झाबुआ जिले के भाबरा में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का एक किस्सा ये भी है, जब गांधी से नाराज़गी के चलते उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। दरअसल सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के कई नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। दरअसल वर्ष 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश भर में गुस्सा था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच जब गांधी जी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया तो यह गुस्सा चिंगारी बनकर फूट पड़ा। चंद्रशेखर सहित देश भर के छात्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। चंद्रशेखर अपने स्कूली छात्रों के साथ गांधी के इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और इसी दौरान चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार भी हुए। आज़ाद को 15 बेतों की सज़ा मिली थी। इस घटना का उल्लेख पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा था, ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, उसे बेंत की सज़ा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बेंत उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। लेकिन वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने बिना पूछे अचानक आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी, तो गांधी के इस फैसले के बाद देश भर के युवकों में सिर्फ नाराज़गी ही नहीं, मायूसी भी छा गई। चंद्रशेखर ने गांधी के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, आंदोलन उनकी अपनी मिल्कियत नहीं थी जिसे अचानक यूं खत्म कर दिया गया। इसमें देश का बच्चा बच्चा शामिल था। गांधी के अचानक आंदोलन खत्म करने के बाद चंद्रशेखर का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें।